सो हे गाइस, इस काले कौवे को आप ज़रा ध्यान से देखो। आपको कुछ नज़र आया? अगर नहीं नज़र आया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काला कौवा को मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी एक टांग वाला काला कौवा कभी नहीं देखा था। तो ये देखिए, जस्ट उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही टांग है। सो आज की व्लॉगिंग हमारी शुरू हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो ये सीन देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि सुबह के 10 बज रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक बहुत ही तेज़ धूप हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली आज के दिन बहुत ही अच्छा वेदर है, मतलब 10 बज चुके हैं बट ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। हल्का हल्का सा मतलब धूप है और छाँव भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो हम सुबह सुबह ही अपने किसी काम से बाहर निकल गए हैं। हेलो गाइस, देखिए हम लोग आ चुके हैं, रास्ते में हैं। ये देखिए बाहर का, ये देखिए गेट पे रुके हुए हैं। ये देखो बस ट्रेन आने वाली है, ये देखो थोड़ी सी दिखाई दे रही है। रेल गाड़ी छुक 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 छुक। तो गाइज मुझे पता है आज भी ट्रेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या अटैचमेंट है ट्रेन से, बट अभी भी मुझे फ़्लाइट वगैरह से ज़्यादा अच्छा सफ़र करना ट्रेन में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों बट मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। सब गेट पर जा कर के चिपकते जाएंगे, देख लो गेट खुलेगा, रेसिंग स्टार्ट। सब धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिए हैं। लो यार, गेट अभी तक खुला नहीं है, बाकी सबका गाड़ी स्टार्ट हो गया है। लो लो, खुला खुला खुला, ये आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं अपना घर ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी जहाँ हम लोग रिसेंट मतलब करंटली अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमें मतलब वो रूम को खाली करना है, मतलब वेकेंट करना है, क्योंकि कुछ रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसीलिए हम अब न्यू रेंटेड हाउस के लिए परेशान हैं कि हमें कहीं मिल जाए तो हम जल्दी से उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस वही सिलसिला चल रहा है। और ये देखिए, हम मैं तो अभी बाहर ही हूँ। आज की वेदर भी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। और मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ये वीडियो घर पे शूट कर सकूं, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और हम लोग फटाफट आ गए हैं घर ढूंढने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा पहला घर, यहाँ हम लोग सबसे पहले आए घर देखने के लिए, बट ये घर हमें पसंद नहीं आया क्योंकि ये घर काफ़ी ही छोटा था, तो इसीलिए हम इसे रिजेक्ट कर दिए। और फिर इसी तरीके से हम काफ़ी 4-5 घर देखे, मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ही वो सब एड्रेस बताया। फिर हम गए एक एक करके सारे घर देखे, उसमें से ही हमें एक पसंद आया, तो वो वाला घर मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वैक्सीनेशन सेंटर। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी वैक्सीन ले चुका है, मैं ही सिर्फ बाकी हूँ। तो आज मेरी वैक्सीनेशन, आज मुझे वैक्सीन लगने वाली है। कोविशील्ड है सर? हाँ सर। कंप्लीट मैं पैदा परिया में काम कर पता नहीं। तो गाइज़ ये देखो, मैंने ऑनलाइन ये
राशन ऑर्डर करा था, ये सुबह ही जस्ट मुझे डिलीवर हुई है, तो मुझे अभी जस्ट ये सब भी अरेंज करना है। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, और मैंने आज जो प्लान किया है कि कुछ नाश्ते में कुछ स्पेशल सा बनाऊँगी यार। मतलब लॉकडाउन की वजह से ना सारा कुछ मुझे अब घर पर ही बनाना पड़ रहा है, और मेरे हस्बैंड को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको हमेशा मन में ऐसा आते रहता है कि भाई आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों ये खाना है। तो भाई अब वो सारी डिमांड्स मैं पूरी करते रहती हूँ। सच बात बताऊँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना कि ताकि वो जब भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं ना, तो उनको फील होता है कि वाह यार, मतलब मेरे लिए इतना कुछ करती है, कितना अच्छा फील होगा ना। तो इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, कोई बात वैसी नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ, आपको बता दूँ मैं सोची हूँ आज की समोसा चाट बनाने वाली हूँ घर पे। तो आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, जस्ट मतलब रेसिपी शो नहीं करूँगी मैं आपको, जस्ट मतलब फास्ट एंड फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। ये देखो मैं अभी छोले बना रही हूँ। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब स्वेटिंग तो रुक ही नहीं रहा है यार, मतलब इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि कुछ कहना नहीं है। मतलब ऑल टाइम मैं अपने बालों को हमेशा इसी तरीके से क्लच करके रखती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना यार कि मतलब सहन नहीं होता बिल्कुल, और किचन में तो खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गाइस अगर मैं इसी तरीके से बकबक अगर करती रही तो शाम निकल जाना है, और ये समोसा चाट वाला प्लान सच में कैंसिल हो जाता। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ फटाफट से अपने किचन में कुकिंग करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं छोले बना ली हूँ, और अब मैं तैयारी करूँगी आलू के मसाले की, यानी समोसे में जो मसाला डालते हैं हम उसकी तैयारी करेंगे। तो मैं मतलब मेरी ये हैबिट है कि मैं फटाफट से बनाती भी जाती हूँ, उधर से सारा कुछ कट करती हूँ, जो भी पील ऑफ करती हूँ वो सब सारा कुछ को एक साथ ही साफ भी करते जाती हूँ। ऐसा नहीं कि इकट्ठे गंदा वंदा कर लो उसके बाद फिर लास्ट में इकट्ठे बैठकर साफ़ करते रहो, वैसा आदत नहीं है मेरा। मैं पहले एक तरफ काम भी करते जाती हूँ, दूसरी तरफ सफाई भी करते जाती हूँ, मतलब साथ साथ मेरा काम चलता रहता है। और मैं एक बात और आप लोगों के साथ एक टिप के तौर पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप घर पे बनाओ समोसे तो उसमें ज़रूर से सौंफ ऐड करना, क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, डालने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्हांस्ड होता है उसका टेस्ट। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे समोसे की फाइनल तैयारी कर रही हूँ, मतलब अब आलू भरना शुरू कर दिया है मैंने। ये देखो आटा मैंने पहले ही से लगा कर रख दिया, आटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मतलब अच्छे से हार्ड होना चाहिए, तभी आपका क्रंची होगा समोसा। तो मैं अब ये देखो आलू डालना इसमें शुरू कर दी हूँ, ये कोन बना बना कर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है यार, बट स्टिल समोसे तो समोसे ही होते हैं, बनाना तो पड़ता ही है अगर खाने का मन हो गया तो बस मेरी अब समोसे बनने वाली है। ये देखो मैं नीचे ही बैठ कर बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें वक्त लगता है, तो आराम से बैठ जाती हूँ नीचे और फिर आराम से भर लेती हूँ पूरा। उसके बाद ये देखो बस अब तल गई है समोसे मेरी, और अब मैं इसके बनाऊँगी गर्मा गर्म समोसे चाट, इसमें छोले डालूँगी प्लस ऊपर से जो भी आपको एडिंग्स डालना है आप भी डाल सकते हो, मैं तो डालूँगी ही। ये देखो बस रेडी हो गई है हमारे समोसे चाट, और मैं सर्व कर दी हूँ अपने हस्बैंड को। सी हैप्पी फेसेस, मतलब मैं भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मुझे तो खैर पसंद आया ही, क्योंकि भाई पसीने खून मेहनत पसीने की जो बोलते हैं ना वो मेहनत वाली समोसे चाट है, तो भाई अपने को तो पसंद आना ही है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो अपने को पसंद आ जाता है। तो बस इसी तरीके से हम अपना इवनिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर में अच्छा हवा चल रहा था तो हम सोचे कि चलो यार बाहर ही बैठ जाते हैं, ऐसा मौका तो मतलब मौका तो मिलता है बट हम ही थोड़े लेज़ी हो जाते हैं तो अंदर ही हमारा शाम निकल जाता है रूम के अंदर। तो गाइस बस अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।